उसके बाद भाई थारी सैनगंता सीधी मैक्सिको की फ्लाइट है, 10-15 घंटे के बीच की मैं फ्लाइट होंगी। वो डिपेंड करे है भाई मैक्सिको में थमने कौन कौन सिटी उतारे हैं, मैक्सिको सिटी। राम राम भाई सारे भाइया ने, सारे भाइया का स्वागत है नई वीडियो पे। तो डोंकी का फुल रास्ता, फुल डिटेल, पूरी वीडियो बना दी थी भाई। यह वीडियो है जो भाई ऊपर का आना चाहे हैं, ऊपर की पूछ रहे थे गणे भाई, तो पूरी डिटेल बताऊंगा भाइया ने इस वीडियो में। सारे भाइया तेरी रिक्वेस्ट है भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई सारे भाई। तो भाई नवंबर दिसंबर का महीना है, आउट ऑफ इंडिया लगभग बहुत कंट्रिया में बर्फ पड़न लग जाए भाई, जो भाई डोंकी में चलेंगे गणे दुखी हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे भाई, बिरान माटी में साझा हो जाएगा, पहाड़ी पुड़िया पे भाई पानी हो जाए, नदियां में चोखा पानी हो जाए, पहाड़िया पे भी बारिश होगा चुगरदा पानी हो जाए भाई, फिसलन का डर रहा है, मतलब की मुसीबत बढ़ जाए भाई। तो भाई जितना उसका सारे भाई ऊपर का काम करवाइयो। ऊपर का क्या प्रोसेस है थामने बताऊंगा भाई, दो रास्ते जो थारी खातर सबसे बेस्ट रहेंगे। पहला भाई अगर हो सके टूरिस्ट लागो, स्टडी लागो, क्यों करे भी है, अगर इंग्लैंड का वीजा मिल जावे है, इंग्लैंड का वीजा ले लो अपना, इंग्लैंड का वीजा ले पाछे भाई मैक्सिको जाना बहुत आसान हो जाए है, टिकट टिकट पे मैक्सिको चले जाओगे। अगर कोई भाई इंग्लैंड से एजेंट करेगा तो भाई 10-20 लाख कितने भी मांग सके है, कितना मुंह पाड़ो। अगर कोई भाई अपने दम पाओगा सारा 5-4 लाख का भी खर्चा कोनी भाई, ठीक है। अगर कोई भाई डोंकर गेल्या करेगा, हिसाब किताब ठेका करेगा या जुकर भी है तो 7-8 लाख रुपये। अगर कोई इंडिया में ठेका करेगा, किसी एजेंट गेल्या, इंग्लैंड तो यूएसए का ठेका करेगा तो भाई कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख मांग रहा है, कोई 35 लाख मांग रहा है, ठीक है, मुंह देख कर थप्पड़ लग गए भाई। लेकिन एक बात बता दूं, दिल्ली तो सीधे भाई फ्लाइट इंग्लैंड जाओगे, इंग्लैंड तो भाई फ्लाइट मैक्सिको जाओगे, अल्ले मैक्सिको तो फिर थारा थोड़ा सा बस का सफर होगा, ओडे तो थमने बस स्टैंड पर डोंकर पाओगा, डोंकर थमने दीवार कुदा देगा, इतना सा प्रोसेस है भाई। हाँ बीच में कुछ दिन लाग सके है, जित भी लागेंगे भाई थम अपना होटला में रहोगे, सेफ रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऊपर कहा भाई इंग्लैंड का ही हो सफर, या फिर भाई यूरोपियन कंट्री है, पहले बताया था पहली वीडियो में भाई कुछ यूरोपियन कंट्री है, सर्बिया होगी, कुछ और भी है, जितका डोंकी लाग गया है तो थमने यूरोप की सैनगन कंट्री है ना, जो जो कंट्री सैनगन माव है, उन कंट्रिया का वीजा लेना है। अगर सैनगन कंट्री का वीजा ले लोगे थम तो सैनगन में एंट्री करे पाछे बाई फ्लाइट मैक्सिको जाओगे थम, सीधा साधा सिंपल सा सफर है दिल्ली तो सैनगन। सैनगन में कई भाई पूछना चाह रहे हैं भाई, सैनगन में ये कंट्री आओ, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, हंगरी हो गया, स्पेन हो गया, तो लगभग इन कंट्रिया का वीजा ले पाछा भाई थम इनमें पहुंच जाओगे। थमने 5 दिन रखा है, 10 दिन रखा है, 20 दिन रखे, वो है भाई सेटिंग के ऊपर बात है भाई, आगे कद चलवाओगे सेटिंग, या नहीं क्या भाई थमने सैनगन तो एयरपोर्ट पे सेटिंग है भाई, आगे भी बालक अगले गए मैक्सिको कितने बालक पड़े हैं या पीछे तक कितने आन लाग रहे हैं, उस हिसाब से भाई थमने ऑर्डर रखे रहेंगे, 2 दिन रखो, 10 दिन रखो। उसके बाद भाई थारी सैनगन तो सीधी मैक्सिको की फ्लाइट है, 10-15 घंटे के बीच की मैं फ्लाइट होंगी। वो डिपेंड करे है भाई मैक्सिको में थमने कौन कौन सिटी उतारे हैं, मैक्सिको सिटी उतारे हैं कि तू उतारे हैं, तो कहने की बात यह जुन सी भी फ्लाइट है 10-15 घंटे के बीच में है भाई, 11 घंटे 12 घंटे सीधा साधा सा सफर है। मैक्सिको पहुंच जोगे, मैक्सिको जान दे फिर वो बराबर है, मैक्सिको सिटी पहुंच गए, इंग्लैंड तभी मैक्सिको सिटी पहुंच गए, सैनगन कंट्रिया में तभी था मैक्सिको सिटी पहुंच गए, मैक्सिको सिटी तो वही सफर अगला। या तो उसका थारी भाई मैक्सिको सिटी तय कैन कौन तय जोन से मैं भी जाओगे और मोसिला की फ्लाइट करा दें भाई चांस, अगर थारी और मोसिला की फ्लाइट नहीं होती है तो भाई थारी मैक्सिको सिटी तय
बस होगी सीधी मैक्सिकली या फिर तेजवाना। लगभग मैक्सिकली तक उदाऊंगे सारे भाई, तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से एक के बात कहूंगा भाई, मैक्सिकली तय बढ़िया है, बेस्ट है वो रास्ता, वो बॉर्डर बेस्ट है। तो भाई अगर मैक्सिको सिटी तक था मैक्सिकली जान लाग रहे हो थारा, यो दो दिन का सफर रहेगा, उसके बीच में एक आधा पुलिस आला, एक आधा माफिया वाफिया आला यहां आंदे रहे बस में भाई। मैक्सिको में जो कर अपने यूएसए में डॉलर चल रहा है, इंडिया में रुपये चल रहे हैं, मैक्सिको में पैसों चल लिया करें, अपने 50 डॉलर के पैसों रखियो गोज में, जुड़ सा आवे उस तय 100-200 पकड़ा दे, बात खत्म, कोई डर वाली बात नहीं है, इतना नहीं डरना। तो दो दिन का अपना वो बस का सफर काटो, अपने डोंकरा दो रपो जो के डोंकर ले जाएंगे बस स्टैंड पे, तो ओडे भाई वो सेम प्रोसेस है जो पिछली वीडियो में बताया था, सारे भाई अपने रुपये लुक होकर रखी ओडे, चेकिंग होगी थारी, फोन फान भी मैं ले लेंगे थर थर, आराम तक कह देंगे भाई अपना घर बात कर लो, अपना भाई एजेंटा तो बात कर लो, जो भी करना कर लो, थार दो 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद अपना फोन रीसेट मार दो, सिम शाम अपने निकाल लो, तोड़ दो, जो करना कर लो और फोन दे दो क्लीन करके बिल्कुल। तो भाई बंदा वाह बात है भाई जी, तो बंदा 50 लाख रुपया लान लाग रहा है, तो 20,000 के फोन बाबत थोड़े जिक जिक नहीं करनी किसी भी भाई ने, ठीक। अगर किसी पर नहीं लेंदे हैं तो अपना बेस्ट है भाई, अपना रीसेट मार कर अपना लेके कूद जो। तो ऊपर का भाई घना सिंपल सा सफर है अपना, सीधी सी बात है, वीजा लो, बाई फ्लाइट मैक्सिको तक आओ, सफर थोड़ा हत्या करो और अपना भाई बॉर्डर क्रॉस कर लो और अपना फाइनली यूएसए पहुंच जाओ। 2 रुपये फालतू लाग गए हैं, और माँ का बेटा सेफ है भाई, और बाबू का बेटा सेफ है, और बहन का भाई सेफ है, नीचे का भाई न्यू है डोंकी, तो भाई नीचे वाली तो भाई दिक्कत में है थोड़ी। अरे जो ये दिन चल रहे हैं भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी भाई, इनमें बर्फ पड़े है, बहुत औखा है भाई, घर बैठ के सोचो और कुछ लग गया है, लेकिन यो बहुत औखा सफर है नीचा वाला। जब अपने गर्मी होवे है भाई अप्रैल मई जून जुलाई, उस टाइम में इस टाइम में बहुत फर्क रहा है। तो सारे भाई यार रिक्वेस्ट है भाई, अगर 8-10 लाख रुपये थारे फालतू लाग गए भी है तो मैं आंधे थाम पूरे कर लोगे, 1-2 महीने का फर्क रहेगा थारा, 2 महीना क्यूकर फर्क रहेगा, कमाई कितनी के है क्यूकर कमाओ हो, सारी बात पूरी कमाई पूरी इनकम अगली वीडियो में सारी बताऊंगा सारे भाइयों ने। सारे भाइयों तो रिक्वेस्ट है जितने भाई बाना चाहे हैं फिलहाल में सर्दी के टाइम में, उनकी गले या वीडियो जरूर शेयर कर दियो भाई, अपना ब्योत देख का अपना चालियो। और मैं तो एक के बात कहूंगा भाई, इस टाइम में कोई भी भाई नीचे का रिस्क ना लियो, 2 रुपये ऊपर ला गए और अपना भाई ऊपर का एक काम करा लियो। सारे भाई या तो रिक्वेस्ट है जुन से भाई भी यो बाहर आने का सफर तय करना चाहे हैं, उनकी गले या वीडियो जरूर शेयर करियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब करियो सारे भाई, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।